टाटा ग्रुप जल्द ही अपना आईपीओ लाने वाली है और इस बीच टाटा मोटर्स ने ऐलान किया है कि वो टाटा टेक्नोलॉजीज में अपनी 9.9% हिस्सेदारी 1614 करोड़ में बेचने जा रही है। आपको बता दें कि कंपनी ये स्टेक टीपीजी राइस क्लाइमेट को बेचेगी। इस डील के बाद टाटा टेक्नोलॉजीज का वैल्यूएशन 16300 करोड़ के करीब आका जा रहा है। टाटा मोटर्स ने रेगुलेटरी फाइलिंग में स्टॉक एक्सचेंजों को इस बात की खबर दी है। इस ट्रांजैक्शन में टाटा टेक्नोलॉजीज का इक्विटी वैल्यूएशन $2 बिलियन यानी कि 1600-1300 करोड़ के करीब आका गया है। 27 अक्टूबर 2023 तक या फिर दोनों पक्षों को मंजूर हो उस तारीख तक हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। वहीं अब टाटा मोटर्स के मुताबिक बात करें तो 1460 करोड़ के करीब टीपीजी प्राइस लिमिटेड को टाटा टेक्नोलॉजीज में 9% की हिस्सेदारी बेचकर प्राप्त होगा। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन को टाटा टेक्नोलॉजीज में अपनी 0.9% हिस्सेदारी बेचकर टाटा मोटर्स को 146.7 करोड़ के करीब मिलेंगे। बात करें टीपीजी राइस क्लाइमेट SPPTE लिमिटेड की, तो ये एक क्लाइमेट फोकस प्राइवेट इक्विटी फंड है। इस कंपनी के $18 बिलियन के ग्लोबल इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। वहीं टाटा टेक्नोलॉजीज टाटा मोटर की सब्सिडायरी कंपनी है जो जल्द ही आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। इन्हें शेयर मार्केट के रेगुलेटर से आईपीओ लॉन्च करने की मंजूरी भी मिल चुकी है। टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में सभी शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचे जाएंगे, यानी कंपनी के प्रमोटर टाटा मोटर आईपीओ के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। मौजूदा निवेशक 9.57 करोड़ के करीब के शेयर्स आईपीओ में बेचेंगे, जो कि 23.60% की हिस्सेदारी के बराबर है। टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में नए शेयर नहीं जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि टाटा टेक्नोलॉजीज में हिस्सेदारी बेचने से पहले आज शेयर बाजार में टाटा मोटर्स के शेयर में जोरदार उछाल देखने को मिला है। टाटा मोटर्स का शेयर 4.76% के उछाल के साथ 667.15 रुपीस के करीब पर क्लोज हुआ है।